कांग्रेस के जो सदर हैं ना तेलंगाना के, इन्हों भी आरएसएस से आए, अब याद आया, बोलना भूल गया, उन्हों भी आरएसएस से इधर उन्हों थे। फिर क्या करे, मैं देखा उनको 1999 में, मरहूम सैयद सज्जाद एमएलए होते थे, उनके इलेक्शन में किशन रेड्डी लड़े थे। किशन रेड्डी अब जो सदर है बीजेपी के, उन्होंने पहला इलेक्शन मल्ली से टकराए, हार गए। उनके साथ इन्हों थे, मौजूदा इनके पीसीसी के सदर। गुड्डी मलकापुर की मार्केट में देखा मैं इनको, खैरताबाद के बल्दिया के ऑफिस में देखा, और मैं जिसको देख लेता हूं, जिसको पढ़ लेता हूं, अल्लाह उसके हबीब के सदके में मुझे थोड़ा मेमोरी दी, मैं भूलता नहीं। इन्हों वहां से ही आए, बीजेपी से थे, फिर आरएसएस बोली साइकिल पे बैठ जाओ, साइकिल पे बैठे, साइकिल का डुबा दिए, फारक तोड़ दिए, साइकिल को पंचर करे। बाद में आरएसएस बोली देख साइकिल का तो तू काम कर दिया, अब तू जरा पंजे को पकड़ ले। तो आरएसएस तेलंगाना में पंजे को पकड़ी हुई है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये आदमी आरएसएस से आया हुआ है, इसलिए इसने कहा था कि अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मंदिर बनाएंगे। आप उठाकर देख लो हजरत, गूगल पर जाओ, बोले उन मैंने, आप देखो जाकर। तो अब आप देखो ये मजलिस की नुमाइंदगी पर 9 साल में